रामलला के आगमन की खुशी कुछ इस कदर है कि हर दिशा में हर किसी ने खुद को श्री राम के लिए समर्पित कर दिया है। बीते कुछ दिनों में चंडीगढ़ से हमने कुछ ऐसे कार्यक्रम दिखाए जहां पर श्री राम को लेकर कितना उत्साह देखने को मिला। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 18 के राधा कृष्ण मंदिर में, जहां पर 108 क्विंटल लड्डू जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये लड्डू जो हैं वो पूरे चंडीगढ़ के अंदर जो है वो बांटे जाएंगे। हम आपको सीधा लिए चलते हैं सेक्टर 8 के उसी अनुष्ठान में जहां पर ये तमाम 108 क्विंटल लड्डू जो है वो बनाए जा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर ये 108 क्विंटल लड्डू जो है वो बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से दिन रात बीती 13 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो लगातार ये लड्डू बनाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि बहुत सारे कारीगर वॉलंटियर्स और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार 13 जनवरी से लेकर आज 20 जनवरी जो है वो हो चुकी है और लगातार हर समय लड्डू बनाने को लेकर जो है वो डटे हुए हैं। इसके अलावा ये तो रही ये तस्वीरें जहां से लड्डू जो है वो बनकर तैयार होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद वॉलंटियरली जो है वो लड्डू बनाने में जो है वो इस कार्य में जो है वो सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी ना किसी राजनीतिक दल से जो है वो जुड़े हुए हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना टाइम जो है वो बाकायदा यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं और लगातार लड्डू जो है वो बनाए जा रहे हैं और ये लड्डू जो है वो 13 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक जो है वो लगातार बनाए गए और लगातार इन लड्डुओं को जो है वो बांटा भी जा रहा है। सबसे पहली बात यह कि यहीं से बने हुए लगभग 11 किलो लड्डू जो है वो अयोध्या श्री राम मंदिर भी भेजे गए। ये तमाम क्रिया जो है वो बीती 13 जनवरी से जो है वो लगातार जारी। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कितने ही लोग जो है वो, चाहे हम कारीगरों का जिक्र कर लें, वॉलंटियरली लोगों का जिक्र कर लें, तमाम लोगों ने जो है वो अपने अपने काम से जो है वो समय निकाल कर लड्डू बनाने में जो है वो जुटे हुए हैं ताकि श्री राम के आगमन को लेकर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सेवा भाव जो है वो इसमें डाला जा सके। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंदिरा, एडवोकेट इंदिरा। ये बताएं, काफी दिनों से लगभग 13 जनवरी से लेकर अब तक जो है वो लगातार लड्डू बनाने का काम जो है वो राधा कृष्ण मंदिर में किया जा रहा है, कितना आनंद जो है वो खास तौर पर ये अनुभव से जो है वो लिया जा रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, हमारे श्री राम प्रभु अपने घर आ रहे हैं तो इस खुशी में मतलब पूरा भारतवर्ष, तो क्या विदेशों में भी लोग बहुत खुश हैं। इस खुशी के उपलक्ष्य में दीप जलाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, लड्डू बनाए जा रहे हैं और इसी तरह से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी है सभी में, हर्षोल्लास के लिए इसको एक पर्व की तरह हम लोग मना रहे हैं। देखिए, पर्व की तरह इसे जरूर आयोजित किया जा रहा है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कितने लड्डू जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। 108 क्विंटल लड्डू जो हैं वो बनेंगे यहाँ पर और उन्हें चंडीगढ़ के हर दिशा हर कोने में जो है वो बांटा जाएगा। हमारे साथ कारीगर भी हैं जो यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं लड्डुओं को बनाने के लिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? दिकेश कुमार जी। दिकेश कुमार जी, कितनी मेहनत लगती है और कितना आनंद जो है वो मिल रहा है खासतौर पर लड्डू बनाने में, जब इस बहुत अच्छे कार्य के लिए जो है वो लड्डू बनाए जा रहे हैं? बहुत आनंद आता है जी, बना रहे हैं लड्डू अपने श्री राम की जी लिख के लिए। हमें खुशी बहुत है जी, हम लोग बना रहे हैं, हम सबको खुशी है जितने भी कारीगर हैं कि सेवा की मौका मिला हम लोगों को। हाँ जी, जय श्री राम। कि हर कोई जो है वो अपने आप को जो है वो सौभाग्यशाली समझ रहा है, जिस तरीके से उन्हें सेवा करने का जो है वो मौका मिला और इस अनूठे अनुष्ठान में अपना योगदान देने का जो है वो मौका मिला। इसके बाद हम आपको जो है वो रूबरू करवाएंगे कि ऐसे सज्जन व्यक्ति से जिनका नाम है रामवीर भट्टी, जिन्होंने इस काम को जो है वो पूरा करने का जो है वो बीड़ा उठाया हुआ है। और ये जो है वो रामवीर भट्टी जी जो है वो न सिर्फ इस काम का जो है वो इन्होंने बीड़ा उठाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के प्रदेशा उपाध्यक्ष भी हैं। सर, सबसे पहले मैं आप ही से ये जानना चाहूँगा कि कहाँ से जो है वो आपको ये इंस्पिरेशन मिली, सबसे पहली बात कि आखिरकार इस तरीके का अनुष्ठान किया जाए कि 108 क्विंटल लड्डू जो है वो बांटे जाएं। जय श्री राम। 5 अगस्त 2020 को जिस टाइम अयोध्या के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने नींव पत्थर रखा था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमने 51 क्विंटल लड्डू बनाए थे और हवन यज्ञ भी किया था, जो अयोध्या के बाद कहीं कार्यक्रम में आया था तो चंडीगढ़ में ऐसा कार्यक्रम था। तो मन में बड़ी तमन्ना थी इस बात की कि जो जिंदगी रही और ये दिन देखने के लिए
कि बहुत पीढ़ियां समाप्त होगी हिंदुओं की सनातनियों की, लड़ते लड़ते 70 लड़ाइयां लड़ कर करके ये दिन देखने को मिला कि आज वो लोग नहीं देख पाए कि राम मंदिर के श्री अयोध्या धाम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम लोग अपने आंखों से देखेंगे, वहाँ पर जाएंगे, जाकर के दर्शन करेंगे, वहाँ पर जाकर के माथा टेकेंगे। वो लोग नहीं देख पाए, अपने मन में इच्छा थी कि इससे खुशी का कोई अक्षण नहीं हो सकता, इससे खुशी मैंने मुझे कभी नहीं मिली। ये बहुत खुशी का क्षण होगा, जो इंतजार की घड़ियाँ हैं लगभग समाप्त होने को हैं। अब परसों प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मन में यही थी कि एक तो इसमें अपना धार्मिक भावना भी थी, एक जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, शहादत दी, 500 साल तक इंतजार करते रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे कि अयोध्या के अंदर मंदिर बने, तो उन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए अब मेरे मन में आया कि इस बार, पिछली बार 51 क्विंटल लड्डू बनाए थे, इस बार 51 नहीं, इस बार 108 जो माला होती है जिसको हम जप करते हैं उसके अंदर 108 मणके होते हैं, तो 108 क्विंटल लड्डू हम यहाँ पर बनाएंगे। चंडीगढ़ की सब जगह, जितनी धार्मिक जगह हैं, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे यहाँ के गुरुद्वारा साहब हैं, चाहे यहाँ के चर्च हैं, बौद्ध मठ हैं, इन सब में ये था कि हम ये जो है ना लड्डू बांटेंगे। जो गरीब बस्तियाँ हैं यहाँ पर, जो दलित बस्तियाँ हैं, यहाँ के जो वृद्ध आश्रम हैं, यहाँ नारी निकेतन है, जो आप उसको कह सकते हैं कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, जो लोग खुद अपने आप नहीं ले करके खरीद सकते कुछ, तो हम चाहते हैं कि ये जो खुशी है हर घर में, हर जो झोंपड़ी है उस तक पहुँचे, उनके में भी इस खुशी को मनाए। हम लोग ये लड्डू 108 क्विंटल का था, अब 108 क्विंटल नहीं, लगभग 125 क्विंटल के लगभग ये लड्डू बन कर करके आज तैयार हो जाएंगे रात तक, और आज हम इनको शुरू कर देंगे भेजना, जिस जिस जगह भेजना, सब जगह भेज करके लिस्टें बन करके तैयार होगी कि यहाँ, और जितनी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है उनमें, यहाँ की जो मार्केट एसोसिएशन है उनके अंदर हम ये सारा कि हर जगह जो है वो लड्डू आप वितरित करेंगे। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये दिखा दें कि किन किस पैकेजिंग के अंदर जो है वो लड्डू जो है वो वितरित जो है वो किए जाएंगे। आप देख पाएंगे कि बाकायदा बड़ी ही खूबसूरत पैकिंग जो है वो बनाई गई है, श्री राम की तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जय श्री राम लिखा हुआ है। और भट्टी साहब, मैं इसके अलावा आपसे और भी बातें जो है वो करना चाहूँगा, आप जरा आएँ, जरा किस तरीके से देखते हैं आप कि 108 क्विंटल लड्डू आपने बनाए, आपने 11 किलो लड्डू जो है वो अयोध्या भी भेजे जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या कुछ रहा और कब भेजे गए और क्या कुछ आगे की जो है वो रूपरेखा रहने। हम लोग ने सोचा था कि यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकालने का मन था। 15 तारीख को हमने कलश यात्रा सेक्टर 23 का सनातन धर्म मंदिर से शुरू की थी और 34 में समाप्त होनी थी, तो एक सिरा हमारा 34 में था, आगे का पीछे का सिरा भी वहीं पर था। 5 क्विंटल लड्डू हमने उस दिन भी वहाँ पर लेकर के गए थे, पहले 11 किलो लड्डू हमने निकाल लिए थे, माथा टेक करके पूजा कर कर करके भोग लगा करके, वो अयोध्या धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस टाइम जो वहाँ भोग लगेगा, तो 11 किलो लड्डू हमने वहाँ पर पहले निकाल करके वहाँ पर भी हमने भेज दिए। और उसके बाद ये 13 तारीख से ये सारा हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। आपने क्या कितने लोग हैं यहाँ पर, तो ये लगभग अब तो 70-80 हमारे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, तो ये सब लोग मिल कर कर करके इस काम को हम कर रहे हैं इसको जी। देखिए, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो है वो किस तरीके से पैकिंग जो है वो हो रही है उसको भी दिखाएं, मीनवाइल हम भट्टी साहब से बात भी जारी रखेंगे और कैमरामैन ये भी दिखाएं किस तरीके से पैकिंग जो है वो की जा रही है। और भट्टी साहब, मैं आपसे ये जानना भी चाहूँगा कि कितना सहयोग जो है वो आपको मिल रहा है इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, और कहाँ कहाँ से जो है वो सहयोग आपको मिल रहा है। ये हमारे शनिपुरी जी हैं, ये भी जिस तरीके से मैं इस काम में लगा हूँ पूरा टाइम, तो ये भी पूरा टाइम इसी तरीके से ये यहाँ पर लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपने सहयोग मिलने की बात है, सहयोग ढेर सारे सज्जन हैं इसमें, बहुत लोगों का हमें सहयोग मिल रहा। अब एक मान कर चलो 195 के 200 जो 15 किलो के टीन हैं, 15-15 किलो के 200 टीन यहाँ पर आ चुके हैं, 50 क्विंटल चीनी हमारी लग चुकी है, 50 क्विंटल चीनी हमारी लग चुकी है, 30 क्विंटल हमारा बेसन आ चुका है अभी तक, 1 क्विंटल से भी बल्कि अब तो 10 किलो फालतू जो इसमें इलायची है और खरबूजे के मगज है और काली मिर्च है, वो सामान हमारा ये लग चुका, और लगभग
65 के लगभग सिलेंडर मारे, जो बड़े सिलेंडर है वो लग चुके, और सब लोग पूरी मस्ती में हम काम कर रहे हैं। और शहर के लोगों का ढेर सारे लोग कह रहे हैं भाई साहब हम भी सहयोग करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हर किसी का सहयोग जो है वो आपको मिल रहा है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है कि 22 जनवरी जो कि एक ऐतिहासिक दिन जो है वो होने जा रहा है, रामलला जो है वो अपने नए नवेले मंदिर के अंदर जो है वो विराजमान होंगे, उस दिन चंडीगढ़ के अंदर खास तौर पर क्या आयोजन जो है वो किए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ अभी से रूपरेखा जो है वो तैयार की? ऐसा है कि बहुत सारे ना, आप चंडीगढ़ में रात में घूम करके देखो जितने चौक सजे वो चौक भी हम लोगों ने श्री सेवा राम कृपा श्री राम सेवा कृपा ट्रस्ट के नाम से हमने ट्रस्ट बनाया, और ज़्यादातर लोग भाजपा के लोग हैं उसके अंदर, तो ये हमने ट्रस्ट बनाया, सब वो सजा दिए मंदिरों में, सब में कोई मंदिर ऐसा नहीं होगा कि उस दिन होना, लगभग 250 मंदिर है, 245-40 मंदिर हैं चंडीगढ़ के अंदर, सवेरे भजन कीर्तन होंगे, हवन होगा, उसके बाद वहाँ पर लंगर लगेंगे, भंडारे लगेंगे, और ये लड्डू का प्रसाद जाएगा, ये बटेगा, यही सारा कुछ है कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, उनका उद्बोधन सुन करके जो ये लड्डू का प्रसाद बन रहा ये लड्डू के प्रसाद का वितरण होगा उस दिन, मेरे ख्याल से सैकड़ों भंडारे लगने वाले हैं। ये बताएं कि लाइव कवरेज को दिखाने का कहाँ पे व्यवस्था की गई है चंडीगढ़ के अंदर? 50 से ज़्यादा जगह LED जो है ना हम लोगों की तरफ से लगी, और खासकर जो दलित बस्तियाँ हैं उनके अंदर 50 से ज़्यादा हम लोगों ने LED व्यवस्था की है, जो वाल्मीकि मंदिर है, रविदास मंदिर है, और 50 से ज़्यादा ऐसी हमारे LED लगवा कर करके ये व्यवस्था की, जो जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो सब लोग भी भाई बहने बैठ कर करके भगवान श्री रामचंद्र जी के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी उसको सीधा प्रसारण दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया रामवीर भट्टे जी। तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया और समझाया किस तरीके से बीती 13 जनवरी से लेकर आज 20 जनवरी जो है वो होने को है, लगभग 7 दिन जो है वो हो चुके हैं, 7 दिनों से लगातार बिना रुके बिना सोए लगातार जो है वो लड्डू बनाए जा रहे हैं, और इन लड्डुओं को जो है वो वितरित किया जा रहा है। यहीं से 11 किलो लड्डू अयोध्या में श्री राम मंदिर भी गए, और अब यहीं से जहां 108 क्विंटल लड्डू बनाए जाने थे उसको अब जो है वो 125 क्विंटल में जो है वो तब्दील किया गया है, और तमाम चंडीगढ़ के हर कोने में, हर दिशा में, हर जगह, हर घर, हर बस्ती में जो है वो पहुंचाया जाएगा, वितरित किया जाएगा, ताकि श्री राम लला का जो आगमन हो रहा है उसकी खुशी, और उस लिहाज से हर जगह न्यायप्रिय ढंग से सभी को समान भाव से हर चीज़ मुहैया हो। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।